फ्रेंड्स, आज हम ड्राई फ्रूट चॉकलेट बार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 150 ग्राम ब्लैक चॉकलेट ली है और 50 ग्राम वाइट चॉकलेट और 40 ग्राम मिल्क चॉकलेट, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू और 10 ग्राम चॉकलेट कैंडी और 10 ग्राम ही टूटी फूटी और 10 ग्राम ही मतीरे की सीड। बादाम और काजू को हम इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे। हमने बादाम और काजू को इस तरीके से काट के तैयार कर लिया है। बादाम, काजू और मेलन सीड को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं धीमी आंच में। पाँच मिनट तक हमने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है, अब हमें निकाल लेंगे। एक लीटर पानी हमने बॉईल कर लिया, अब इसके ऊपर हम डोंगा रखेंगे। डोंगा हमारा गर्म हो गया, अब इसके अंदर हम चॉकलेट ऐड। अब हम मिडिल आंच में इसे मेल्ट होने तक इसे पकाएंगे। हमारी मेल्ट हो गई है, अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। हमने ड्राई फ्रूट चॉकलेट इस तरह से मिला ली है, अब हम सांचे के अंदर से खाली करेंगे। हमने चॉकलेट को इसके अंदर सेट कर लिया, अब इसके अंदर हम सजाएंगे इसको। हमने हमारी ड्राई फ्रूट चॉकलेट बार को इस तरह सजा लिया, अब इसको 10 मिनट के लिए हम फ्रीज में रखेंगे। हमारी ड्राई फ्रूट चॉकलेट बार बनके तैयार हो गई है, अब इसे हम इस तरीके से निकाल के इसे कट लगा। अब हम इस तरीके से इसमें कट लगा लें। काट के हम सारी चॉकलेट तैयार कर लेंगे।